तो अभी हम आज के हिंदी सत्र में जो भी साथी अभी जस्ट जुड़े हैं सभी का स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में अभी हम सुधीर सत्यम भैया से उनकी बात को सुनेंगे। सुधीर भैया एकेएस यूनिवर्सिटी सतना में डायरेक्टर के पद पर लगभग 8 वर्ष से कार्यरत हैं। इसके पहले भैया पत्रकारिता विभाग प्रमुख और जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवा को प्रदान कर चुके हैं। भैया ने जो फर्स्ट वर्कशॉप उनके यूनिवर्सिटी में जो ऑफलाइन वर्कशॉप था वहां से भैया पीएचयू के साथ में जुड़े हुए, बाद में भैया ने ऑनलाइन वर्कशॉप्स को भी अटेंड किया हुआ है। तो भैया आपका स्वागत है, ओवर टू यू। सभी को मेरा नमस्कार, कुमार भैया का नमस्कार, यशवंत भैया आपका नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई शुभकामनाएं। जैसे कि भैया आपने परिचय दिया, मेरा नाम सुधीर रावत है, मैं एकेएस यूनिवर्सिटी सतना में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। इसके पहले पत्रकारिता विभाग का मैंने 10 वर्ष तक संचालन किया और विभाग अध्यक्ष रहा। कुछ वर्ष तक जनसंपर्क अधिकारी के काम को भी किया। मेरी शिक्षा दर्शन, मनोविज्ञान और पत्रकारिता की मास्टर डिग्री के साथ पूरी हुई है। परिवार में मेरे श्रीमती जी हैं, मेरी बेटी है, पुणे में जॉब करती है, और बेटा इस साल बीटेक सीएस का छात्र हुआ है। शिक्षा में मूल्यपरक बातों को लेकर के मैं हमेशा ही महत्वपूर्ण बात को महसूस करता रहा और ऐसा लगता रहा कि ये आवश्यकता है, और हमेशा ही सक्रियता से इसमें काम भी किया हूँ। कुछ कार्यक्रमों का संचालन भी समय समय पर मैंने किया। इसी क्रम में एक मित्र की सलाह पर 6 नवंबर 2022 को एकेएस यूनिवर्सिटी में यूएचबी की फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया। इसमें महर्षि माथुर जी, प्रवेश भैया, भगवान भैया के सहयोग से वो बहुत सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ था। यूएचबी के कंटेंट के प्रति मेरी जो निष्ठा थी वो पहले ही दिन से बन गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जैसा तलाश पूरी हुई है। मैं कृतज्ञ हूँ भगवान भैया, महर्षि जी, प्रवेश भैया के साथ समस्त यूएचबी टीम का, जिन्होंने समय समय पर मेरी दुविधाओं को दूर करके मेरी समझ को बढ़ाने में बहुत सहयोग किया है। सुबह के सत्र में नियमित जुड़ता हूँ, हर स्टेप पर मैंने समझने का प्रयास किया है और काम भी थोड़े किए हैं। यह मेरा दूसरा सत्र है। पहले सत्र में बात तो समझ में आई थी, कई स्टेप पर अभ्यास भी किए थे, किंतु परिणाम बहुत अच्छे नहीं मिले थे मुझे अपने में, क्योंकि मेरी मान्यताओं और संस्कारों की जड़ें बहुत गहरी थी। उस सत्र में ये परिवर्तन जरूर हुआ था कि भाव और विचार पर ध्यान जाने लगा था, सुख सुविधा की प्राथमिकता समझ में आई थी, और इस सत्र में अभ्यास का क्रम थोड़ा बढ़ा है, इसमें स्पष्टता भी आई है। किसी विचार के पीछे संस्कार, मान्यता या समझ क्या काम कर रही है, ये तो एहसास होने लगा है। यह भी स्पष्ट हुआ है कि स्वस्थ जीवन यदि जीना है तो जीवन शैली में बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। दवाओं के सहारे टिका हुआ स्वास्थ्य बहुत देर तक वो और बहुत दूर तक मेरा साथ नहीं देगा। स्वास्थ्य अगर प्राथमिकता है तो इसे हर क्षण हमको स्मरण रखना है। यह भी दिखा कि शरीर में होने वाली अधिकतर परेशानियां शरीर की हैं या इसमें मन की भूमिका कहीं ज्यादा काम कर रही है। स्वस्थ रहने के लिए भोजन पर भी काम किया और स्पष्टता ये आई कि भोजन पचाने से शरीर बनता है, अधिक खाने से दिक्कतें आती हैं, और यह इतना ही खाना और अन्य चीजें हमारी शुरू हुई, और इस प्रयोग के मैंने बहुत ही अच्छे परिणाम देखे। मेरा बहुत स्वास्थ्य बहुत परिवर्तन आया पहले से। अब मैं पहले से बहुत फिट हूँ। इस मुकाबले में पहले मैं कुछ भी नहीं पचता था, क्योंकि मेरी 2.5 फुट 8 पेट के ऑपरेशन से अलग हुई थी, दिक्कतें थी मेरी, इसलिए खाना नहीं, बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन अब इन सारी जीवन शैलियों परिवर्तन करके लाभ हुआ है। इसके अलावा ये भी समझ बनी कि मेरी बात पहले जो लगता था कि सर्वोपरि है, अनुकूल परिणाम के लिए, अब समझ में आता है कि दूसरों की समझ भी जरूरी है। पहले अपेक्षा रहती थी कि कोई बात रखे हैं तो उस पर काम होना चाहिए, अब ये लगता है कि बात रखना तो हमारा हिस्सा है, सामने वाले की समझ पर उसका असर हो या उसकी चाह तो क्षमता पर निर्भर है, इसलिए हमें उसके प्रति भी उदार रहना चाहिए। इस पर जब कार्य किए तो पहले से बनी हुई मान्यताएं तो जोर मार ही रही थी, फिर ये भी दिखने लगा कि भाव को समझने के बगैर कुछ भी कार्य आगे नहीं हो सकता। तो जब भाव पर समझने का कार्य किए तो विचारों में परिवर्तन दिखा। इस अभ्यास के दौरान अनुकूल और प्रतिकूल संवेदनाओं से प्रभावित होने वाले भाव को भी देखने का अवसर मिला। बाहर से मिलने वाली अनुकूल या प्रतिकूल संवेदनाएं सुखी या दुखी करती थी, यह सुख दुख आगे भी परिणाम देता था, ये रिश्तों पर भी असर डालता था। ये सारी बातें इन सारी बातों से दिखी।
और इनसे लगता था कि मन संबंध मन में मतलब जो संबंधों का इतिहास रच जाता है कि ऐसा वैसा बहुत सारी यादें आती है, ये सब इन्हीं अनुकूल प्रतिकूल भावों का इकट्ठा जोड़ बन जाती है। ये सभी बातें क्रमशः मुझे दिखने लगी। इससे संबंधों में भी सुधार आया, कई बिगड़े रिश्ते पुनः स्थापित हुए। हालांकि ये है कि अभी बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिन पर तकलीफें ज्यादा रही हैं, उन पर विश्वास तो भी नहीं बना, क्योंकि उन रिश्तों से अगर देखें तो बहुत धोखाधड़ियां थी, कई जगह मुकदमेबाजी, अनावश्यक दर्द बहुत झेलने पड़े, तो अभी तो इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि उस पर विचार भी करें। और मानव के रूप में पहला पॉइंट है जो मानव के रूप में देखने पर ये मेरी समझ बनती है कि मैं शरीर के सह अस्तित्व में के रूप में हूँ। शरीर एक जड़ इकाई है और मैं चैतन्य इकाई हूँ। मैं की आवश्यकता सुख है जो सही समझ और सही भाव से पूरी होती है। शरीर जड़ इकाई है जिसकी आवश्यकता भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है। शरीर का पहचानना निर्वाह करना निश्चित है। मैं की पहचान निर्वाह करना जानने और मानने पर निर्भर करता है। यदि मानना जानने के आधार पर है तो पहचान निर्वाह करना सही हो जाता है। आचरण में भी सुनिश्चित निश्चिंतता आती है। ऐसे यदि मानना जानने पर आधारित होता है तो मानना तो पहचानना निर्वाह करना सही नहीं हो पाता है। प्रकृति के बिंदु पर अगर बात करें तो इसके पहले मेरा मन में ये विचार हमेशा रहता था कि वृक्षारोपण करना, तालाबों का, नदियों का संरक्षण करना, संवर्धन करना, ये हमारी प्राथमिकता है। किंतु इस सत्र के बाद ये एहसास हुआ कि प्राकृतिक उपहारों का अंधाधुंध इस्तेमाल भी प्रकृति के विरुद्ध होना है। अनावश्यक लॉन्ग ड्राइव में जाना, अनावश्यक पानी बहाना या ऐसी चीजों का उपयोग करना ज्यादा मात्रा में जो प्रकृति द्वारा प्रदान हो रही है, मूल भले हम चुका रहे हैं लेकिन हम प्रकृति को खाली भी कर रहे हैं, क्योंकि कालांतर में मानव जीवन को गंभीर खतरे में डालेगा। इस दृष्टि विकास के साथ मेरे घर में पॉलीथिन के संदर्भ में भी बड़ा अच्छा निस्तारण शुरू हुआ है। ये भी नजर आया कि गाय बैलों की इतनी ज्यादा मृत्यु, अकाल मृत्यु होती है, वो कितनी पन्नियां खा जाते हैं। उसके बाद ये समझ में आया कि पॉलीथीन का प्रयोग तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन इसके समुचित उपयोग पर और इसका सही निस्तारण पर हम लोगों ने विचार किया। और कंटेनर में इकट्ठा करना, कचरा गाड़ी में उसको समय समय पर डालना। इसके अलावा मैंने देखा कि ख्याल आया कि इतना जानवरों का साथ अत्याचार होता है, कितना चमड़ा निकालते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो मैंने चमड़े के जूते और बेल्ट का उपयोग करना मैंने व्यक्तिगत तौर पर बंद कर दिया। अस्तित्व के संबंध में तो बहुत समझ नहीं बनी क्योंकि भी उतना मैं नहीं देख पाया, लेकिन ये जरूर एहसास में आया अंदर कि अस्तित्व में सह अस्तित्व समाहित है, अस्तित्व नित्य वर्तमान है, सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है, और इसमें प्राणावस्था, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था समाहित है। और प्रत्येक इकाई अस्तित्व की अपने आप में ऊर्जित और नियंत्रित है, सौम्य व्यवस्थित है। और पदार्थ अवस्था की बात देखें तो इसमें जो रचना विरचना हो रही है ये तो अब स्पष्ट में दिखने लगा है कि ये सब गतियां संसार की जो चल रही है वो कैसी चल रही है। मानवीय आचरण की बात करें तो इसमें बहुत सुधार आया है सर, मैं महसूस करता हूँ कि ये ज्यादा सुधार इसमें मैंने महसूस किया है। और अभी मानव के साथ संबंधों को दिखने भी लगा, क्योंकि पहले भी मानव से अच्छे व्यवहार रहते थे लेकिन अब तो संबंधों का भाव ज्यादा दिखने लगा। इसको समझने और जीने का भी प्रयास जारी है। प्रीहित लाभ की दृष्टि से परे दृष्टि जाने लगी है और लोगों के हित में रखकर जैसे पहले कार्य करते, लेकिन अब जो संबंधों का भाव दिखता है वो बहुत आत्मीयता से जोड़ता है। एक घटना मेरे को स्मरण आ रही है, इसी वर्ष जनवरी फरवरी के माह में मेरे ऑफिस में एक सहायक की नियुक्ति हुई थी। वो उसके काम करने की गति बड़ी धीमी थी, लोग बहुत परेशान हो गए इससे कि उसको पदमुक्त किया जाए। मेरे पास भी मांग आई, मैंने उसको अपने ऑफिस में बुलाया और अपने साथ में काम में कुछ रखा और मैं देखना चाहता था काम क्या इसके साथ दिक्कत आती है। मैंने देखा उसकी कार्यशैली बहुत ही अच्छी थी, मतलब वो इतना व्यवस्थित तरीके से हर काम को करता था लेकिन वो समय का ध्यान नहीं रख पाता था। और उसको काम अच्छा करने की चाहत तो थी उसके अंदर, वो उसमें दक्षता नहीं थी उसके अंदर उसकी। तो मैंने उसको ऐसे अप्रैल माह में एक ऐसे विभाग में जोड़ दिया जहाँ पे समय सीमा बने रहे लेकिन काम सही तरीके से करता रहे। अभी पिछले माह कुछ बहुत सारे वरिष्ठों ने उसकी तारीफ करी तो मेरे पास आया और बोले, सर थोड़ा समय देने से ये हुआ, मेरे को ये अब अच्छे से काम आने लगा है और मुझे अब ये नहीं लगता कि मेरी नौकरी खतरे में है। मैंने उससे पूछा क्या हुआ तो उसने कहा बहुत टोका टाकी सर होती थी तो मेरे को हिम्मत नहीं पड़ती थी, मैं अंदर से डर जाता था कि मुझे क्या करना है। वो वहां मेरे को बहुत टोका टाकी नहीं रही तो अच्छा लगा। तो ये तो देख पाया यूएसबी के जुड़ने से कि उसकी चाहत क्या है और क्षमता में क्या कमी थी। ये यूएसबी से जुड़ने का लाभ मुझे मिला और उसका जीवन बना।
ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं, कभी आना है जाना है, ड्राइवरों से कभी बात नहीं करता था मैं पहले, बात करने का ज्यादा प्रश्न भी नहीं आता था। अब ऐसा है कि रास्ते में चले जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, घर देखते कभी उनसे उनके घर की बातें करते हैं, उनकी घर की समस्याओं पर बात करते हैं, इतना बड़ा संसार दिखता है, किसी तरह की चीजें उनके साथ होती है जो बेचारे छोटी छोटी बातों को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास समझ का वो स्तर नहीं होता कि वो अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकें। अब उनसे बात करते हैं, बातचीत चलती रहती है, तो अब ये लगता है कि सभी लोगों से एक पारिवारिक टाइप का भाव मिलता है, और मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों के अंदर भी बहुत जुड़ाव महसूस करता हूँ। उनकी आंखें बताती हैं कि ये मेरे से बहुत जुड़ना चाहते, बात करना चाहते, समय होता है कभी भी तो लोग फुर्सत के क्षणों में आकर बैठ जाते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं। पहले थोड़ा सा संकोच रहता था लोगों को, क्योंकि हो सकता मेरा भी व्यवहार ऐसा रहता हो कि बिना जुड़ पाते हो। अभ्यास मन के संबंध में मैं स्वयं में यह देख पाता हूँ कि मेरे भाव विचार में कल्पनाशीलता कैसे जगह जमाती है। किसी वस्तु या जीवन उपयोगी सामग्री पर नजर आते ही कल्पना बहुत से रंग देती है, विचार कैसे आते हैं, पहले नहीं दिखता था ये। अभी पिछले माह की बात करूंगा तो मेरी व्हीलचेयर का चक्का खराब हो गया। बाहर तो पैरों में बेल्ट लगाकर चल लेता हूँ, लेकिन घर में व्हीलचेयर से ही गतिविधियों का आधार रहता है। एक छोटी समस्या थी और उसने ये सिद्ध कर दिया कि कितने सारे विचार परेशान करने वाले हो सकते हैं। हुआ ये था कि व्हीलचेयर के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिल पा रहा था, किसी तरह काम चल रहा था, तो कल्पनाशीलता ने इतना काम करना शुरू किया, ये चिंता पैदा कर दी यदि चक्के का प्रबंध नहीं हुआ 4-5 दिन में तो व्हीलचेयर कैसे चलेगी, नया लेना पड़ेगा, ऑर्डर देने के बाद भी 10-15 दिन में आएगी, अब तक क्या करेंगे, कैसे काम चलेगा। ऑफिस में भी बैठे यही मुद्दा चलता रहता था कि क्या करना है। 2 दिन बाद एक मित्र का फोन आया, उनने कहा सर चक्के की व्यवस्था हो गई। असल में उनको व्यवस्था के लिए मैं जिम्मेदारी दे रखा था, और उन्होंने कहा सर घर के सामने गाड़ी खड़ी है, आप उसमें व्हील चेयर रखवा दीजिए, चक्के का प्रबंध हो गया है, 1 घंटे वो ठीक हो जाएगी। इतना सुनकर जो आराम मिला, उसने बीते 2 दिनों में जो मन में उथल पुथल चल रही थी उसको बहुत स्पष्ट किया। तो ये भी स्पष्ट हुआ कि शरीर की अक्षमता के चलते मैं कुछ ज्यादा ही शरीर को पकड़ने लगा है। इसलिए ये इतनी छोटी सी परेशानी को बहुत मूल्य दे दिया। वैसे निर्णय के पीछे वो संस्कार भी दिखाई दिया कि पिछले बार जब एक बार ऐसी हुई थी दिक्कतें तो 10 दिन 12 दिन बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा था। पहले तो परेशानियां आती थी, अब ये दिखता है कि ये दिख जाती हैं, ये अंतर दिखा है कि कल्पना किस तरह से काम कर रही है और वो कैसे विचारों पर छाती है। पहले छा के परेशान कर जाती थी, अब कम से कम इतना दिख जाता है कि ये परेशान कर रही है और ये चीजों पर आधारित होके आ रही है। अभ्यास 2 के संबंध में बोले तो मैं और शरीर की सूचनाओं का आदान प्रदान को हम देखने लगे हैं। असल में थोड़ा सा अवसर ज्यादा मिल जाता है क्योंकि शरीर बहुत गतिशील नहीं है, एक दुर्घटना में मेरा शरीर 70% अक्षम हो चुका है, काफी प्रयासों के साथ मेरा चलना फिरना होता है, तकलीफ बहुत तरह की बनी रहती है। पहले हर दर्द का निदान हो, दवा खा लो, अब ये काम बहुत कम हो गया। अब ये देखते हैं कि सच में ये तकलीफ हो रही है कि पूर्व मान्यताओं और संस्कारों में बैठे हुए स्मृतियां वो परेशान कर रही है। ये समझ में आता है कि कई बार तो बहुत तकलीफें होती है तो वहां उपाय करना पड़ता है, दवा भी लेनी पड़ती है, और कई बार ऐसा लगता है कि इस स्टेप मान लीजिए किसी पोजिशन पर मुझे तकलीफ हुई थी तो शरीर में देखता हूँ। एक बार ऐसी बात हुई थी कुंवर भैया से भी, तो उन्होंने भी इस संबंध में कुछ सलाह दी थी, तो सच में मैंने ये देखा कि एक विशेष स्थिति में अगर कभी तकलीफ हुई है और वैसा शरीर की पोजीशन बन जाए तो शरीर वास्तव में पहले से तकलीफ बता देता था कि पहले मुझे नहीं दिखता था लेकिन ये अब दिखता है, और उस पर तुरंत नियंत्रण भी आ जाता, समझ में आ जाता कि नहीं ये ऐसा नहीं है, अभी होने के बाद पता चलेगा। तो ये अंतर आया है, अन्य स्टेपों पर अभी तो बहुत जीना नहीं हो पाया है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसमें कुछ ठीक हो। इन 4 महीनों में जीने के परिवर्तन पर बात करें तो मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा है। ऑफिस में भी छोटे बड़े सभी स्तर के कर्मचारियों के प्रति सम्मान का भाव भी बढ़ा है। सम्मान देना और उनकी बातों को ध्यान से सुनकर समाधान निकालना भी सहज होने लगा है। कभी फुर्सत के क्षणों में घर के गार्डन पे बैठे तो बहुत कुछ बात करने का लोगों से मन नहीं करता, आकाश को देखते हुए, पेड़ पौधों को देखते हुए, पक्षियों का कलरवास्तु के प्रति नतमस्तक कर देता है। लोगों के अधिक संपर्क में पूरा दिन कटता है, पहले तो शाम तक थकान बहुत लगने लगती थी, अब भी लगती है, लेकिन अब मन में उतना तकलीफें नहीं आती है, मन में प्रसन्नता रहती है। और सबसे खास बात ये हो जाती है कि ये दिखता रहता है कि हम क्या हमारे साथ जो हो रहा है उसमें हम उसको क्या मूल्य दे रहे हैं, ये तो महसूस होता रहता है।
जिम्मेदारियों के साथ यह है कि यूजीबी के प्रस्ताव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प है। इसके लिए यूनिवर्सिटी में इस वर्ष अनिवार्य विषय के रूप में कोर्स शामिल करना था। विचार फाइनली हो गए थे, कुछ थोड़े से व्यवधान आए हैं, लेकिन लग रहा है कि वो इसी माह के अंत तक शुरू तो हो ही जाएगा। अगर नहीं हुआ तो विचार और भी है कि हम वर्कशॉप बच्चों के लिए करने का निश्चय किए हैं। इसके अलावा समाज के अन्य संगठनों से भी जुड़ाव है, वहां भी यूएसबी के प्रस्तावों को पहुंचाते हैं। कुछ मित्रों ने ऑनलाइन वर्कशॉप भी अटेंड करी है। स्वयं में समझ के लिए दिन के बचे हुए जो भी घंटे होते हैं उनको लगाते हैं, बनाए हुए नोट्स हम पढ़ते हैं। परिवार में भी यूएसबी के कंटेंट के आधार पर जीवन को जीने का प्रयास है। बच्चों में इसका बहुत अच्छा असर आया है। बाहर का खाना लगभग बच्चों ने बंद कर दिया है। हमारी श्रीमती जी भी इस कंटेंट को लेकर के जीवन में बहुत परिवर्तन देख रही है अपने, और वो भी लगातार, क्योंकि जब वक्त होता है खाली बैठते तो घर में ही बात होती रहती है, तो किसी भी विषय पर बात उठा करके यूएसबी के कंटेंट के आधार पर उस पर विश्लेषण जरूर होता है। और ये बच्चे भी पाते हैं कि नहीं ऐसा तो सच है, ये ऐसा होना चाहिए। भी सुनती है और यूट्यूब पे देखती रहती है, तो घर में बहुत सारे परिवर्तन में देखता हूँ। इन लोगों के अंदर एक अनुशासन भी आ रहा है, सुबह से उठना है, स्वास्थ्य के प्रति बहुत जिम्मेदार है ना। पिछले 4 महीने से उन्होंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया है, और ऐसा नहीं कि मैंने किसी को डांटा है, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ऐसा किया है। और स्वयं के वैभव के रूप में अगर मैं अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ परस्पर में अपनी सामाजिक भागीदारी के अर्थ में कितना समय निकाल सकता हूँ, तो सामाजिक भागीदारी के लिए ये पटना के 4 बड़े शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों से मैंने चर्चा किया है। उन्हें यूएचबी के पुराने सेशन की लिंक भी दिया हूँ। हाल ही में यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजित, असल में मैंने इसी उद्देश्य से किया था कि उनसे मेरी मुलाकात हो। दरअसल शारीरिक दिक्कतों के चलते आना जाना होता नहीं है, इसलिए जैसा भी अवसर बने तो मैंने कहा इस प्रस्ताव को कैसे रखा जाए। असल में इसमें हाल में भगवान सिंह भैया परमार से और परमार भैया से बात हुई थी, उन्होंने भी इस संदर्भ में कहा था कि अपन को इसमें मिलकर कैसे कैसे प्रयास करना है, तो उसी के संदर्भ में रूपरेखा बनाई और उनसे मुलाकात करी। अब परिणाम क्या होंगे, क्योंकि अभी तो 20-25 दिन पहले ही उनसे मैंने बातचीत रखी है। एक बार उन्होंने फोन पे बात की, उनको भी अच्छा लगा है। कुछ लोगों ने कहा कि क्या ये बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर आप जैसे चलाते हैं, तो क्या हम लोग अपने यहाँ पर कॉलेजों में कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो मैंने भी उनको बहुत सलाहें दी हैं कुछ। तो ऐसे करके मेरा चल रहा है जीवन। और प्रतिदिन के सुबह के सत्र के बाद रात में सोने के पहले 1-2 घंटे जो भी समय मिलता है यूट्यूब के सत्र को जरूर देखते सुनते हैं। ये जीवन का अनिवार्य हिस्सा हो गया है। सभी स्टेप पर तो अभी बहुत नहीं काम हुआ है, लेकिन प्रयास जरूर जारी। ये तो लगता है कि आगे इसको भी समझ लेंगे, अभी भी समझ में आता है, लेकिन वैसे इसको शब्द टू शब्द बता पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और अन्य सत्रों से भी जुड़ने का जब भी समय मिलता है तो जरूर अटेंड करते हैं। शाम को मध्य प्रदेश का ग्रुप है, उसमें भी हम जुड़ते हैं, जब समय मिल जाता है तो जरूर जुड़ जाते हैं, और नहीं मिल पाता है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ बिना कुछ उस वक्त का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक है मेरी जो छोटी सी यात्रा थी उस पर यही मैंने अनुभव किया, जो मैं सॉरी मतलब जो एहसास हुआ मेरा। इसके साथ मैं, आप लोगों ने इतने ध्यान से मेरी बात सुना, सभी को मेरा धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जी धन्यवाद भैया, बहुत ही सरल भाषा में आपने बातों को रखा। सर, मेरी श्रीमती जी थोड़ी सी कुछ बात रखना चाह रही हैं, ये बहुत हाँ संकोची हैं, इसलिए मैं इनको बड़ा उत्साह दे रहा हूँ कि भाई कुछ बोल दें ये भी। जी लीजिए। जी जी दीदी, स्वागत है आपका। नमस्ते सभी को। हम भी सत्र में जुड़ते हैं। पहले तो ये जो पहला अटेंड कर रहे थे तो हम लोग सुनते थे, ये जैसा भी बताते थे, फिर भगवान भैया लोग भी घर पे आए, या ऐसे बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम थे जो हम लोग कहीं ना कहीं मतलब जुड़े ही हुए थे। और 2006 में भी हमने अछौती जाकर के वहां पे शिविर अटेंड किया था सोम भैया का। तो तब से था कि मतलब आगे भी जा करके जब भी वक्त मिलेगा तो जुड़ेंगे, या और भी आगे के जो शिविर वगैरह होते हैं वो अटेंड करेंगे, पर हो गया, कुछ हो नहीं पाया उस बीच। पर जब से ये सुबह का सत्र हम लोग ने ज्वाइन किया तो ये जरूर लगा कि थोड़ा थोड़ा बदलाव करना चाहिए, पर अभी हमारी उतनी अच्छी समझ और मतलब ये बन नहीं पाया कि हम अपनी सारी बात रख सकें। परिवर्तन तो महसूस करते हैं और चाहते भी हैं कि सबका सुनते हैं, और बहुत अच्छा लगता है।
और जीवन को इसी तरफ लेकर के जाएं, ऐसा सोचें या इसी तरह से जिए। पर अभी अपनी शेयरिंग रखना या अपनी बात रखना अभी उतना वो नहीं हो पाया है। और बाकी आप सबकी बात सुनते हैं, कुमार भैया की बात सुनते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और लगता है कि जीवन भी हम लोग का अब बदलाव की ओर जाना चाहिए। जी नमस्ते सभी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि सुधीर भैया और हिमांशु भैया की शेयरिंग के बारे में वो हमें गाइडेंस दे। ओवर टू कुमार भैया। जी भैया, सुधीर भैया और हिमांशु भैया दोनों की शेयरिंग अच्छी रही। जैसा परिचित भैया शेयर कर रहे थे, तो आप दोनों के साथ शरीर के स्वास्थ्य को लेकर कुछ दुर्घटनाएं हुई, उसके बाद भी आप रिकवर कर पाए और पूरे विश्वास के साथ, पूरे मनोयोग के साथ अपने आप में परिमार्जन करने के लिए और हर दिशा में ध्यान देते हुए भागीदारी करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि की बात है। सुधीर भैया के बारे में कहूंगा कि जिस पद पे हैं और जिस तरह का उनको एक अवसर मिला हुआ है, उसका अगर ठीक से सदुपयोग किया जाए तो पूरे कॉलेज में एक अच्छा काम हो सकता है। परिवार में भी पूरी अनुकूलता है, परिवार भी जुड़ पाया है और एक लंबा जुड़ाव रहा है आपका, तो उसका हम विधिवत का सदुपयोग कर पाए तो बहुत अच्छी संभावना आगे के लिए। जो अभ्यास के बिंदु हैं उस पर थोड़ा और बारीकी से अगर ध्यान दिया जाए तो भाव के स्तर पर जो सजगता है और संवेदना को दिए जाने वाले अर्थ के स्तर पर जो सजगता है, उस पर अगर और ठीक से काम हो तो और अच्छी गति बनेगी। शरीर की कुछ सीमा है आपकी और मुझे लगता है कि थोड़ी कॉलेज की व्यस्तता है, क्योंकि उस पद पे थोड़ा सा आपके पास काम ज्यादा हो जाता है। बट जैसा आपने पहले कभी शेयर किया था कि कॉलेज में भी एक अनुकूलता है, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको पूरा अवसर और प्रोत्साहन देते हैं, तो उसको हम देखें कैसे और हम उसको पूरा कर पाएंगे। और जब भी एमपी में कोई फेस टू फेस वर्कशॉप होता है और लगता है कि कोई शारीरिक बाधा नहीं आएगी तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं, परिवार भी शामिल हो सकता है, उसके भी अवसर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वो पूरा हो पाए। तो बहुत ही बढ़िया सुधीर भैया, पूरे उत्साह के साथ और मनोयोग के साथ आप लगे हुए हैं। आपको ढेर सारी शुभकामना, बधाई। जी भैया, धन्यवाद।